हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? आपको पता है गूगल एडसेंस ऑनलाइन पैसा कमाने का सबसे बड़ा तरीका है, साधन है। बट गूगल एडसेंस है क्या? अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल एडसेंस एक एडवर्टाइजिंग है जो गूगल द्वारा आपकी वेबसाइट, आपके किसी फेसबुक पेज या आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर एड्स आती हैं गूगल द्वारा, वो होता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस और खाली गूगल एडसेंस लगाने से हमें अर्निंग नहीं होती। जी हाँ, इसके लिए जो भी हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं वो हमारे, मान लो अगर हमारा कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पे कोई विजिटर हमारा ब्लॉग पढ़ रहा है और उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट या उससे रिलेटेड जो एड्स हैं वो गूगल ने हमारे वहाँ पर लगाए रखी हैं और वो उनको क्लिक करता है तो वहाँ से हमें अर्निंग होती है, कमीशन प्राप्त होती है। चलो अब ये तो हमें पता चल गया कि गूगल एडसेंस क्या होता है और वो करता क्या है, तो हम इसको, अपनी जो अर्निंग है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, हमें अपनी वेबसाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें कुछ एक स्टेप्स ध्यान में रखने होंगे जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान रखिए उन छोटे छोटे स्टेप्स का जिनसे आप अर्निंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपको अपना जो कंटेंट है और जो गूगल एडसेंस के द्वारा आपकी साइट पे जो एड्स लगाई जाने वाली हैं वो दोनों रिलेवेंट होनी चाहिए। वो इतनी रिलेवेंट होनी चाहिए कि पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये कंटेंट है या एडसेंस के वर्डिंग है। दोस्तों अगर आपका कंटेंट और जो एडसेंस की जो एड है वो रिलेवेंट होगी तो इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है या जो आपका कंटेंट पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी ऐड को ही क्लिक करने के लिए आ रहा है। जी हाँ, वो आपकी ऐड को क्लिक करने के लिए नहीं आ रहा है, वो आपका कंटेंट देखकर आपकी साइट पर आ रहा है और जो कीवर्ड्स हैं वो बिल्कुल मैच हो रहे हैं तो आपके कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी जो एड्स आ रही हैं उनको क्लिक करेंगे और उससे आपका कमीशन बढ़ेगा। ये तो हो गया बात कि आपका जो कंटेंट है और एड्स है वो होना चाहिए रिलेवेंट। और सेकंड देखिए, जो दूसरा स्टेप है वो होना चाहिए आपका टॉपिक, जो भी आप टॉपिक चूज करते हैं वो कैसा है। आपने एक निश को पकड़ के रखना है, स्पेसिफिक टॉपिक रखना है और एक निश को पकड़ के रखना है। तो ये है आपका दूसरा स्टेप। इसको हम कैसे कर सकते हैं? आप अपनी साइट पर क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि वो जो आपका टॉपिक है, आपने जो मेन हेडिंग दिया है उससे आपका कंटेंट कितना रिलेवेंट है, कितना मिल रहा है। आपने ऐसा नहीं कि आपने जो मेन हेडिंग है कुछ और दे दिया और नीचे जो आपका कंटेंट है वो कहीं और आपको लेके जा रहा है, तो उससे जो एड्स उस पर लगेंगी उनमें डिफरेंस आएगा और जो क्लिकिंग करने की पावर है, जो काउंटिंग है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं आपका जो कंटेंट है बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए और जो आप लिख रहे हो वो एक निश, मतलब आपका कंटिन्यूटी होना चाहिए कि इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक किसी और चीज़ का है तो दूसरा किसी और चीज़ का है, तो आपके टॉपिक के हिसाब से ही आपका पूरा कंटेंट। इससे होगा क्या कि जो गूगल एडसेंस के द्वारा एड लगेंगी और जो टॉपिक के हिसाब से आपका कंटेंट है वो रिलेवेंट रहेंगे, जो विजिटर आएंगे वो क्लिक करने के लिए मजबूर होंगे और आपकी कमीशन कई गुना। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है आपकी साइट का डिज़ाइन कैसा है। जी हाँ, आपकी साइट पे गूगल के एड्स आने शुरू हो जाएं इससे पहले आपकी साइट फुली कंप्लीट डिज़ाइंड होनी चाहिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके एड्स लग गए लेकिन आपकी साइट का डिज़ाइन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो वो एक बार आएंगे दोबारा नहीं आएंगे। तो आपके एड्स लगने से पहले ही जो आपका साइट का डिज़ाइन है वो फुली कंप्लीट होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि एक अच्छी डिज़ाइन साइट ही विजिटर को दोबारा आने के लिए मजबूर करेगी और वो दोबारा साइट पे विजिट करेंगे। दोस्तों ये थे 3 बेस्ट टिप्स जो कि आप यूज़ करके देखिए कि इनसे आपकी वेबसाइट पे फ़ायदा होता है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक, ये टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और
आप सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को दबा के, और जो घंटी बेल है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू।